स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला में। उम्मीद है आपने इससे पहले सभी वीडियो देखी होंगी। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 9 है, सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन किन्हें कहते हैं। हमारा क्वेश्चन, हमने सेंटेंस पढ़े हैं जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन किन्हें कहते हैं, आज हम उनको समझेंगे। हमने सेंटेंस देखे जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन होते हैं, हम उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम ने श्याम से कहा आज हमें राज के घर जाना है। ये एक सेंटेंस है, इसको हम समझते हैं। इस उदाहरण में तीन लोगों का नाम आया है। हम इससे पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन कौन है। इसमें राम हमारा फर्स्ट पर्सन है। जो भी सेंटेंस में जो व्यक्ति बोलता है किसी के बारे में, किसी से बोलता है, वह हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। श्याम हमारा सेकेंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो भी बात जिससे बोलता है वह हमारा सेकेंड पर्सन होता है। और राज हमारा थर्ड पर्सन है। राम ने श्याम से थर्ड पर्सन मतलब राज के बारे में कुछ बातें कही, या राज की कुछ बात बोली, तो राज हमारा थर्ड पर्सन होगा। राम हमारा फर्स्ट पर्सन है और श्याम हमारा सेकेंड पर्सन है। अतः जो व्यक्ति कुछ कहता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे वह बोलता है या जिससे कुछ बात वह कहता है वह हमारा सेकंड पर्सन होता, तथा जिसकी बात होती है वह हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि हो सकते हैं। थर्ड पर्सन जो रहता है, जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति ही हो, किसी वस्तु के बारे में कुछ बात हो सकती है, किसी स्थान के बारे में हो सकती है, आदि कुछ भी बहुत सी बातें इसमें हो सकती हैं, वे हमारी थर्ड पर्सन में आती हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन किन्हें कहते हैं। विस्तारित रूप से ये बहुत है, किंतु हमको बेसिक समझना है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जानकारी आपको प्राप्त होगी। थैंक यू।